सलमान खान और कैटरीना कैफ हाल ही में बांग्लादेश T20 क्रिकेट मैच के ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी पर पहुंची थी। इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद भी मौजूद थी। कार्यक्रम में दोनों स्टार्स ने स्टेज पर दमदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन लेखिका तस्लीमा नसरीन को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने सलमान और कैटरीना की इस परफॉर्मेंस पर कई सवाल खड़े कर दिए। तस्लीमा ने ट्वीट कर सलमान की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो महिला डांसर के साथ परफॉर्म करती नजर आई। उन्होंने लिखा है, सलमान खान, कैटरीना कैफ और अधनंग लड़कियां कल रूढ़िवादी मुस्लिम देश बांग्लादेश में कामुक गीतों पर नृत्य कर रहे थे। दर्शकों में हिजीबी, बुरखे वाली, दाढ़ी वाले मुल्ला ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वे उन सभी गैर मुस्लिम चीजों को पसंद करते हैं जो दूसरे देश से आई हुई है। तस्लीमा की इस पोस्ट पर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ उनके खिलाफ है। एक यूजर ने लिखा है, लोगों को अपनी बीवी, बहन और बेटियां बुरखे में चाहिए, पर दूसरे को वो जरूर ही देखते हैं। मूर्ख कौन होगा? आखिरकार ये महिलाएं ही हैं जो धर्म के नियम पालन करने के लिए कहीं ना कहीं शोषित हो रही हैं। इसके अलावा इस इवेंट के बाद सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें सलमान ब्लू टी शर्ट, ब्लैक जैकेट में नजर आए, वहीं कैटरीना कैफ और ब्लैक आउटफिट में नजर आई थी। सलमान ने फोटो पर कैप्शन दिया, प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ कैटरीना और मैं, उनसे मिलना खुशी और सम्मान की बात रही है। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।